जो सुनते थे वहाँ पे कि अमेरिका ऐसा है, अमेरिका ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टडी के लिए जो है ना, ये तो एक ऐसी कंट्री है कि मैं कह रहा हूँ मज़ा आ जाए। डॉलर बनाए डॉलर, शॉप पर ही पड़े हुए हैं भाई। तो मैंने कहा आज जंगल का नज़ारा भी किया जाए, क्रॉस ऐसे पर मेरा आज शेर ना निकला है। आए आए कुछ पढ़ पुढ़ जाओ, कुछ कर कुर जाओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फैसल और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। यार मैं आज बैठा बाहर, मैं सोच रहा था कि जैसे आपसे बात की जाए कि जो स्टूडेंट्स आते हैं ना यहाँ पढ़ने के लिए, तो उनकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं और किस तरह वो यहाँ पहुँच पाते हैं। तुम्हारे पाकिस्तान से भी स्टूडेंट को आना चाहिए, बहुत ज़्यादा लोगों को आना चाहिए पढ़ने के लिए। यहाँ पर स्टडी बहुत अच्छी है, लोग पढ़ते हैं, लोग यहाँ पे इनको अच्छा वो डिग्रीज मिलती हैं, तो यहीं पे ये सेटल होते हैं और अपने कंट्रीज़ के लिए जो है ना वो बहुत अच्छी जो है ना वो कर लेते हैं। और तो यहाँ पे आपको पता है कि निज़ाम तलीम भी बहुत अच्छा है, हमारा निज़ाम तलीम और इनका निज़ाम तलीम डिफरेंट है थोड़ा सा। यहाँ पे वर्चुअल भी लोग लेते हैं, आगे यहाँ पे एडमिशन करवा लेते हैं और घरों में ही बैठ के अपना सारा वो करते रहते हैं। अब यहाँ पे जो है ना, आपको जो चीज़ें जो रहनमई वाली हैं वो ये है कि यहाँ पे ना जब आने के लिए ना, आपने पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान से जो है ना वो आपने अपना वीज़ा जो है ना लगाना है। आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं उसकी जो डिग्री है ना, मास्टर डिग्री जिसे हम बोलते हैं या दूसरी जो बैचलर डिग्री है, उसके बेस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। और यहाँ पे ना ये देखना है कि आपने जब आपने एडमिशन लेना है तो कैसे लेना है, क्या करना है, वो आपको वेबसाइट पे आप रिसर्च करें और उसमें देखें कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। यहाँ पे आया तो मैंने नोट किया कि यहाँ पे जो अपने स्टूडेंट भाई हैं, जैसे जो पाकिस्तान से पढ़ना चाहते हैं या आना चाहते हैं, उनके लिए किस तरह आना मुमकिन हो सकता है और कैसे वो अमेरिका में अपनी तलीम को कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे दो टाइप के जो है ना कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी हैं। एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं सेंट्रल, जो कि जिनके स्टेट में आते हैं। एक होते हैं जो इनके जो होम टाउन बने होते हैं, जैसे ब्रुकलिन है या जैसे क्वींस हैं या जैसे मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, उनके जो है ना उनका रेट कम होता है, उनकी फ़ीस कम है। यहाँ पे जो स्कूल की फ़ीस है ना, जो स्कूल हैं यहाँ पर, वो होते हैं 12th तक, हाई स्कूल बोला जाता है उनको, वो 12th तक होते, वो टोटली फ्री है, उनकी कोई फ़ीस नहीं है। और जो हैं अपना यहाँ पे जो कॉलेज हैं, उनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज में जो फीसिस हैं ना, वो तकरीबन आई थिंक 3000 ईयर की से लेकर और ईयरली $3000 और $6000 और $7000 NF, यहाँ तक इनके, और ये ईयरली ये उनके होती है। और उनके कोर्सेज होते हैं, कुछ 2 ईयर का होता है, कुछ 3 ईयर का, ऐसा कुछ 2 ईयर के कोर्स मोस्टली यहाँ पे हैं, 1.5 भी हैं, 1 ईयर का भी है। तो इस तरह ये जो कोर्सेज यहाँ पे होते हैं, तो वो आपने जब अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज या कोई भी स्कूल अगर आपने रिसर्च करना है वेबसाइट के थ्रू, ऑनलाइन आपने रिसर्च करना है, तो ये जहन में रखिएगा कि वो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो फिर सेंट्रल है, और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, कम पैसों में आ जाते हैं, तो फिर ये करना है कि वो सेंट्रल में इनका जो ना हो, लेकिन स्टेट का ना हो, जो स्टेट के होते हैं ना, स्टेट के जैसे मेन जो होते हैं बड़े, वो काफ़ी कॉस्टली हैं, तो उनमें एडमिशन लें, अपनी जो डिग्रीज़ हैं उनको आगे और बड़ा करने के लिए, कुछ स्पेशल करने के लिए, कुछ उनमें और ज़्यादा जैसे क्या कहते हैं कि कोई नया कोर्स करने के लिए। फिर यहाँ पे जब आ जाते हैं, आपको यहाँ पे काम की भी इशू नहीं होता, पार्ट टाइम यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, ये पूरी दुनिया में ऐसा ही है, ऑस्ट्रेलिया में भी है और न्यूजीलैंड में भी, अमेरिका में भी, इंग्लैंड में, सब जगह ऐसा ही है कि स्टूडेंट आते हैं और पार्ट टाइम जॉब करते हैं। आप एक दफ़ा आना आपको मुश्किल होगा, बाद में जब आप आ जाते हैं तो आपको यहाँ पे अपनी जो क्लासेस को कंटिन्यू करने के लिए फ़ीस का कोई, यानी कि फ़ीस देने का कोई इशू नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता कि आप अपना जॉब करते हैं तो वहाँ से आप अपनी मैनेज कर सकते हैं। तो आप अगर मेरे से कोई हेल्प चाहते हैं या मुझे बताएं कि आपके लिए कुछ स्टूडेंट्स के लिए कुछ मैं करूँ, तो मुझे आप मेरे इनबॉक्स में लिख सकते हैं कि आप हमें कुछ यूनिवर्सिटी के जो है ना या कॉलेज के आप अपना लिंक भेज दें, तो मैं इंशाल्लाह आपको वो भेज दूँगा, सेंड कर दूँगा, नो इशू। तो मैं ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट को ना यहाँ पे आना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ताकि हम भी कुछ बेहतर हैं, हमारे अंदर भी वो थोड़ी सी क्वालिटीज़ आ जाएँ, हम वो अच्छा कर लें। अगर किसी ने पाकिस्तान में काम करना है तो पाकिस्तान में जाके काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ की डिग्री और यहाँ की जो तलीम है ना, उससे आपको बड़ा ही फ़ायदा मिलेगा।
अब मैं यहाँ पे तकरीबन जैसे देखा है मैंने, तो मुझे तो मैं चीज़ें ऑब्जर्व करता रहता हूँ कि बिज़नेस को भी देख रहा हूँ और ये स्टडी को जब देखा तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि ये कम अज़ कम हमारे जो स्टूडेंट बेचारे उधर रुल रहे हैं ना, इतनी इतनी फीसें वहाँ पर तो हम दे रहे हैं ना, ऐसा नहीं भी हम फीस नहीं दे रहे, वहाँ पर यूनिवर्सिटी भी लाखों में फीसें हैं, 15-20 लाख 30 लाख ऐसा जाती हैं फीसें पूरे जो कोर्सेज होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे आ जाएँ, यहाँ पे आकर मिलें और वीज़ा भी इजीली मिल जाता है, कोई ऐसा इशू नहीं है, आप ट्राई तो करें ना, वो मुनासिब सी फीस होती है वो आप दें और अपना ट्राई करें और यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आके अपना कंटिन्यू करें अपनी जो एजुकेशन है, और यहाँ की एजुकेशन आपको पता है कि वो आपको ना कुछ बना देगी, आप कुछ बन जाएंगे। यहाँ सेटल होना है तो यहाँ सेटल होने के भी मौके बहुत ज़्यादा हैं, आप यहाँ पे आके अपना जो आपने डिग्री ली है जो आप कर रहे हैं तो आपको ये जो आप यहाँ पे आके जब करेंगे तो इन ये लोग आपको इसकी वैल्यू देंगे, आपको पता चलेगा जो आपने डिग्री ली और आपको इसकी कितनी वैल्यू दे रहे हैं ये लोग। ये नहीं कि स्टूडेंट डिग्री लेकर और यहाँ पे इनको जॉब नहीं मिलती, यहाँ जॉब बेशुमार हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बेशुमार है, ऐसा नहीं कि उनको जॉब नहीं मिलती, हाँ जॉब ही करनी है तो जॉब करें, वरना तो मैं तो चाहता हूँ कि बिज़नेस में आए, सबसे बेस्ट वही है। तो बाकी जो चीज़ें हैं ये आप समझते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पे हो चुकी है, आप निकलें घर से, निकलें जो आप बैठे ना रहें एजेंट्स के चक्करों में ना पड़े, एजेंट सारे ऐसे बैठे हैं तो बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको कोई यहाँ पे आने से कोई रोकता है। ये लोग तो चाहते हैं कि हम हमारे मुल्क में आए हैं, आप अपना तलीम हासिल करें तो फिर हम आपको आगे कंटिन्यू करेंगे, आपको यहाँ पे जॉब्स मिलेंगी, आपको यहाँ पे बिज़नेस के लाखों मौके हैं, आपको यहाँ पे जो है ना वो स्टडी को हायर करते हैं। हाँ यहाँ पे ये देखें, चलें आप हम कहते हैं कि हमें स्टडी करके हमें यहाँ नहीं रहना, आप स्टडी करें 2 साल का 3 साल का 4 साल का जितना भी आपका वो डिग्री का जो टाइम है वो आप पूरा करें, उसके बाद यहाँ से निकलें और अपने मुल्क जाएँ और वहाँ पर जाके अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ से जब आपने सीखा होगा ना तो वहाँ एक तरीके से आप अपना काम कर पाएंगे, क्योंकि हम जहाँ सीखते हैं उसी तरीके से चलते हैं। यहाँ पे तो आपको पता है दुनिया का पूरा निज़ाम ही चेंज है, यहाँ पे लोगों का जो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, इनका जो रहने का स्टाइल है, ये बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, इनका हर चीज़ इनकी बेस्ट है। मुझे जो मेरी अपनी ये अपनी ओपिनियन है कि मैं ये आपको नहीं कह रहा कि मैं ऐसा मे बी जो मैं कह रहा हूँ ऐसा ना हो, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ मुझे तो ये सारी चीज़ें बहुत चेंज लगी, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं ऐसी कंट्री में आया हूँ कि मुझे यहाँ पे नहीं लगा कि कोई ऐसी कोई गड़बड़ जो सुनते थे वहाँ पे कि अमेरिका ऐसा है अमेरिका ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बेहतरीन कंट्री है रहने के लिए भी और अपना बिज़नेस के लिए भी। लेकिन मोस्टली जो आज मैं बात कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ स्टडी के लिए, स्टडी के लिए जो है ना ये तो एक ऐसी कंट्री है कि मैं कह रहा मज़ा आ जाए तलीम हासिल करनी हो। हमारी एक आपको पता है कि हदीस भी है कि तलीम हासिल करें और आप चाहे आपको चीन ही क्यों ना जाना पड़े, तो वो एक चीन का लफ्ज़ ऐसा है कि वो दूर दराज इलाके के लिए या दूर जाने के ऊपर बोला गया है, कि तलीम हासिल करें तो आपको चाहे अमेरिका ही आना पड़े, अमेरिका ही आ जाए, इंग्लैंड आ जाए, सेम एज इट इज़ सारा कुछ एक जैसा ही है, कम अज़ कम आपका जो एक सिस्टम है ना वो आपका सेट हो जाएगा, आप अपने बच्चों को जो है ना आगे अच्छे तरीके से जो है ना वो कर सकते हैं उनको। तो बातें तो हमारी बहुत सारी हैं, तो आपको समझना, मैं बता रहा हूँ कि आपको मैं वेबसाइट या कुछ चीज़ें ऐसी जो जहाँ पे किसने करना है मुझे कमेंट बॉक्स में जब बताएंगे ना तो मैं आपको वहाँ पे लिंक शेयर करूँगा। मैं यहाँ पे एक पार्क में आके बैठा हूँ तो वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ना लोग फिर रहे हैं, घूम रहे हैं और अपना वो पूरा ना वो कर रहे हैं, लेकिन सारे साइड में पार्क है, बड़ा छोटा अच्छा पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है, छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा पार्क है। असल में निकला था वॉक के लिए, तो मैं कहता पैदल वॉक थोड़ी करें, वॉक करने का यहाँ मौसम बड़ा अच्छा है, कूल कूल मौसम चल रही है, हल्की की धूप भी है, वापस घर भी पहुँचना है क्योंकि अंधेरा हो जाता है ना, ये पार्क का जो टाइमिंग है ये ऐसी है थोड़ा अंधेरा हो जाता है। मुझे वॉक करने का यहाँ पे बहुत मज़ा आया। तो वो बातें आपसे हो रही थी कि स्टूडेंट के वाले से ना, कि स्टूडेंट कैसे यहाँ पे सजाए, मैं स्टूडेंट को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हमारे पाकिस्तान के भी लोग यहाँ पे आएँ और आके यहाँ पे आके अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें, बड़ा अच्छा सिस्टम है, तो आपको अच्छा लगेगा यहाँ पे, तलीम के लिए भी बेहतरीन और अपॉर्चुनिटी बहुत है। बाकी तो
इंसान की अपनी काबिलियत होती है, वो तो कहीं पे भी अगर आप उधर अपने देश में अपने मुल्क में हैं तो वहाँ पे अगर आपकी काबिलियत है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे चेंज है। चेंज क्या है कि आपका निज़ाम तलीम जो है ना वो सबसे बड़ा चेंज सिस्टम है इनका। इनका जो वो सारा कुछ आपको पता है कि वो मैंने यूनिवर्सिटी में उधर गया था तो वहाँ पे भी देखा कि बुक्स वगैरह नहीं होती इनकी। हमारे पाकिस्तान में बुक्स वगैरह का थोड़ा चलता है, कॉलेज में बुक्स बैग बच्चों के बैग थे, यहाँ पे वो सिंपल थी, एक इनके पास वो आईपैड होते हैं उन्हीं में सारा होता है। और यहाँ पे ये होता है कि आपको पर्चा ये मिलता है कि आप यहाँ पे वर्चुअली जो ले लें वो सबसे बेस्ट, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप जॉब भी करें यहाँ पर काम शाम करें अपना अर्न करें, पेरेंट्स पर बोझ नहीं है। पेरेंट्स एक दफ़ा आपको फीस लगा के भेज दिया, बाद में आप आराम से स्कूल से अपना यहाँ से वो करें अर्न करें और मजे करें, मैं फिर आपको मज़ेदार जहाँ पर कोई मसला नहीं, सेटल हों अर्न करें डॉलर बनाएं डॉलर तो सेट हो जाएंगे आप, लाइफ सेट तलीम भी सेट सब कुछ सेट। ये जो गोल्फ का एरिया था मैं यहाँ पे मैं गोल्फ के पल दूसरी साइड में देखता हूँ जाकर ये क्या है, ये बंद पड़ा हुआ। ये एक लेक सी बनी हुई है, ये गोल्फ का एरिया, ये गोल्फ है तो बड़ा प्यारा है। बोलना है कैसे है जी, मैं साढ़े पाकिस्तान में बारिश पड़ती है ना पानी खड़ा हो जाता है, बारिश में पानी खड़ा हो जाता है ना तो फिर पानी को 5-7 दिन नहीं जाता ना तो उसमें वो काफ़ी सारे मच्छर भी आ जाते हैं। ये उस तरह का एरिया मुझे लग रहा है वाजिबा, अमेरिका में भी पिंड है यहाँ पर भी मच्छर आ जाते हैं और पानी खड़ा हो जाता है, लग तो मुझे ऐसा ही रहा एरिया को देख के। छापर भी पड़े हुए हैं भाई, अब इसकी डार्क साइड भी देखनी चाहिए ना, कोई भी कंट्री उसकी हाईलाइट साइड है तो सबने देखी, लेकिन डार्क साइड भी देखनी चाहिए। डार्क साइड ये देखिए, ये कचरे वचरा भी काफ़ी होता है यहाँ, लेकिन आप टेंशन नहीं लेना, इतनी दूर आपने आना भी नहीं है, जरूरत नहीं इतनी दूर आने की कचरा देखने के लिए। तो ये जनाब देखो वो पीछे भी खेल रहे हैं और सारा वो चल रहा है ऐसा। ये चाचे भी बैठे हुए हैं, चाहे थक गए हैं। यहाँ पे होमलेस लोग भी हैं काफ़ी, इनके घर भी नहीं है, ये बुज़ुर्ग हो जाते हैं बेचारे, इनको फिर ऐसे ही अल्लाह ताला रहम करे। तो इनके लिए काफ़ी वो अदारे बने हुए हैं, लेकिन ये लोग पता नहीं अब क्यों हैं ऐसे रहते हैं, या बीमार होते हैं या वैसे ही भी उनको घर दिल नहीं लगा तो बाहर आके बैठ देने फटे थे, ये वो हिसाब होता है। यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे ना साइकिलिंग नहीं कर सकते आप, इस पार्क का नाम है और ये जो लेक आपको मैंने दिखाई है ये वो है। मैंने कहा साथ साथ बातें भी हो जाएं, साथ साथ आपको चीज़ें भी दिखाऊँ ना, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बड़ी अच्छी बातें होती रहती हैं, उन चीज़ें भी तो दिखाई कितने प्यारे वो हमारे नॉर्दर्न एरिया में जैसे ट्रीज़ होते हैं ना, ये उनके छोटे भाई हैं क्योंकि वो बड़े पहाड़ हैं, उनके बड़े साइज़ हैं, ये छोटे पहाड़ हैं छोटे दर्द में, ये छोटे भाई हैं ये भी, ठीक है ना। कैसे क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे एक जंगल सा बना हुआ है, ये वॉक के लिए बनाई उन्होंने, वॉक करने के लिए लोग निकलते हैं यहाँ पे, तो मैंने कहा जरा जंगल का नज़ारा भी किया जाए थोड़ा सा। झील के किनारे पर ये ना देखें, ये इंस्ट्रक्शन लिखी होती है हर जगह पर ना, ये देखें ये सारा ना झील और साइड में बना हुआ है। ये हमारे उधर पाकिस्तान में भी शायद इस्लामाबाद साइड में ऐसा है कुछ, जहाँ पे डैम है ना डैम, वहाँ पे मैंने ऐसा देखा था, क्या सेम मैसेज वही लग रहा है जैसे मैं अब डैम के किनारे फिर रहा हूँ, वो आई थिंक वो रावल डैम है, मैं गया था उधर मैंने देखा था। यहाँ लोग जहाँ ये ना नेचर को पसंद करते हैं, नेचर देखें नेचर है यहाँ पर, पूरा वो पौधे शौधे लगे हुए हैं और पूरा वो ना मैं आपको दिखाता हूँ एक बार नेचर देख रहे हैं, ब्रिज बना हुआ नेचर के करीब बन गया, घास फूस सारा कुछ यहाँ पड़ा हुआ हाथी नजर आ रही है, देख रहे हैं ना स्पॉट बनाया हुआ, जो पानी का जब फ्लो आता है ना, जब समंदर का पानी या जैसे बारिश का पानी तो यहाँ से गुजरता है इस छोटे से ब्रिज के नीचे से, तो फिर बड़ी झील की तरफ चला जाता है ये ऐसा पूरा सारा पूरा ना एरिया देखें, लोग आ रहे हैं वॉक शॉक कर रहे हैं और ये नेचर के साथ जुड़ा हुआ नया डिफरेंट नहीं। मैंने कहा आज इस पार्क को जो ना एक्सप्लोर किया जाए तो बहुत बड़ा है, चलते चलते पाए इतने पर मेरा आज
शेर ना निकला है। हम शेर इधर हैं भी कि नहीं, लेकिन यार पूरा जंगल है। हाय 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 यार, कैसे खुश मिजाज लोग हाय करते हैं, हाँ हाय नहीं करते। कैमरा बंद कर रहे थे नहीं कहने के, और चलो चलो अमरीका चलो, आ जाओ आ जाओ अमरीका आ जाओ, अब पढ़ने वास्ते ही आ जाओ, कुछ तो साढ़े कल ठिकाने कुछ गल पै जाए। काफ़ी फासला, काफ़ी दूर तक फैला हुआ, काफ़ी बड़ा पार गई ऐसे में झील है ना, इसे गिरते उन्होंने पूरा नेचर रखा हुआ। यहाँ पे लोगों के लिए वॉक के लिए जगह बनाई हुई है, वॉक करें, रनिंग करें, जॉगिंग करें, चाहे फुल रेस लगाएं, सेहत को सेट करें। ये बड़ा तबियत काम है हमारे देहातों में, तो हम तो बचपन में ऐसे ही वो कन काखियाँ बिच रहे हैं ना, मझा पट्ठे पाने, तो मझ न आ गई तो पट्ठे भी आप ही कुतरने, सारा कुछ खुद ही करना होता है। पिंडा में असी आप ही ना मझा पट्ठे कुतर के पाने, तो सारा कुछ आप ही करना है। देखे ना सारे वो ही कख करने हैं, हर चीज़ अमरीका में यार है, बिल्डिंगें नहीं है यहाँ पे, बड़ा कुछ है भाई। आओ तो सही ना, अब आते ही नहीं हो, अब पढ़ने वास्ते आ जाओ, सुन लो कुछ, पढ़ पुढ़ जाओ, कुछ कर कुर जाओ। ये एक पत्थर है, इसको तो बैठता हूँ थोड़ी देर के लिए, देखेंगे तो पत्थर ही अमरीका था कि उड़ने लगा, पता नहीं होता था उड़ के चांद चले जाते पत्थर भी। ये मैं एक जंगल में बैठ गया मेरे पीछे, ये देखे पूरा क्या जबरदस्त नज़ारा यार, मज़ा आ रहा यार, प्लीव इट। मेरा दिल करता है कि जो मुझे देख रहे सारे आ जाए यहाँ पे, कोई भी ना रहे, घूमें फिरें, इंजॉय करें, सैर करें, चाहे 10 दिन रहें, आए जो बहुत मज़ा आ रहा है। और आगे चलते हैं, बस ना ये रात के टाइम आने वाला एरिया नहीं है, मेरे ख्याल शाम को बंद कर देते होंगे, तो आई थिंक 7:30 बजे तक अंधेरा हो जाता ना, 7:30-8 बजे तक तो अंधेरा छा जाता है। मेरे ख्याल आने का ये नहीं सही है, बेस्ट टाइम जो है ना यही है, जब फिर रहा हूँ वापसी का, लेकिन मैं अभी भी आगे जा रहा हूँ, देखते हैं क्या मिलता है वहाँ पर जाके, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि बस बहुत आगे तो नहीं जाए ना, तो आगे तो ऐसे ही काफ़ी बहुत दूर तक फैला, वो ब्रिज आ गया न्यू जर्सी पहुँच गया। यार ये डोगी देखो जरा कितना ज़बरदस्त, कितना प्यार डोगी, बिल्ली तो अकेली आ रही, कोई ख़तरा नहीं इसको किसी भी किस्म का, कोई मसला नहीं है। ये होते हैं कंट्रीज, डॉक्टर फैसल को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बातें हमारी बहुत हो गई, स्टूडेंट के लिए मैंने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है, स्टूडेंट आएँ और अपना यहाँ पे स्टडी को कंटिन्यू करें, आगे बढ़ें और अपने आप को ऊपर लेके जाएं, पूरी दुनिया आपकी है, जहाँ मर्जी जाएं, लेकिन निकलें, ये कि जहाँ बैठने वाले जो लोग हैं ना वो बस वहीं रह जाते हैं। इंसान को हरकत करनी चाहिए, इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया अपनी पूरी ज़मीन के लिए कि मेरी पूरी ज़मीन को घूमो और फिरो और देखो, तो कौन कौन इस बात पर अमल कर रहा है। चलें, मुझे अब डॉक्टर फैसल को जाजी, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।